Hello friends, welcome to Lucky Exam YouTube channel. आज का हमारा टॉपिक है फिल इन द ब्लैंक्स। एसएससी सीजीएल 2017 में फिल इन द ब्लैंक्स के जो क्वेश्चंस आए थे, आज के वीडियो में हमने उसे ही कलेक्ट किया है। फिल इन द ब्लैंक्स के सारे क्वेश्चंस को हम पार्ट वाइज कवर करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट थर्ड। इसके पहले हमने पार्ट 1 और 2 अपलोड किया था, आपने उसे नहीं देखा हो तो प्लीज उसे भी जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, जॉन एज वेल एज हिज फ्रेंड्स always asks the permission of his mother before going for a rugby match. Asked, receives, seeks and sorts. ये हमारे options हैं। Ask में पूछना, receive में ग्रहण करना, third option है seek में मांगना and fourth option है sort, जिसका कोई meaning ही नहीं होता। तो ये हमारा answer तो होगा नहीं, बस ये तीन options। seek word के साथ जब हम permission या फिर approval word को use करते हैं, that means to ask for permission and approval. Ask for, अगर इस option के साथ for use होता तो ये answer हमारा हो सकता था, but यहाँ for नहीं use हुआ है, तो वह answer होगा option number 3, 6। ये verb का singular form है, s use हो रहा है। verb का singular form क्यों use करेंगे? क्योंकि हमारा subject John है, John हमारा subject है। जब दो noun, एक नॉन ये और एक नॉन ये, जब दो नॉन एज वेल एज या फिर अलोंग विद टुगेदर विद कपल विद अकंपनीड बाय, इस तरह के कनेक्टर्स से जुड़े हों, तो वहां जो वर्ब का फॉर्म होता है वो डिसाइड करता है फर्स्ट नॉन, एंड द फर्स्ट नॉन इज इन सिंगुलर फॉर्म, जॉन सिंगुलर फॉर्म में, तो हमारा वर्ब जो है उसके अकॉर्डिंग सिंगुलर फॉर्म में होगा और वो होगा सिक्स। फॉर एग्जाम्पल, You must first seek permission before publishing his article. You must, तुम्हें निश्चय ही पहले उसका permission लेना चाहिए before उसके article को publish करने से पहले। तो ये हमने permission के साथ क्या use किया? Seek, not ask या receive। वहाँ answer होगा option number 3, 6। Next है, My sister, unlike my brothers, dares to have a career in engineering. पहले ऑप्शन है wants, then want, then wish and aspire। ये क्वेश्चन भी सेम पैटर्न पे, जब दो नॉन माय सिस्टर एंड माय ब्रदर्स, जब दो नॉन अनलाइक टुगेदर विद अलोंग विद एज वेल एज, इस तरह के कनेक्टर से जुड़े हों, तो वर्ब का फॉर्म फर्स्ट नॉन के अकॉर्डिंग होता है। फर्स्ट नॉन यहाँ क्या, माय सिस्टर, दैट इज सिंगुलर, तो ऑब्वियसली मेरा वर्ब जो होगा वो सिंगुलर फॉर्म में होगा। हम चेक करते हैं कि हमारे जो ऑप्शन है उसमें कौन सा ऑप्शन सिंगुलर फॉर्म में वर्ब है, और वो है पहला ऑप्शन wants, ये हमारा वर्ब इन सिंगुलर फॉर्म want, यही होगा हमारा आंसर। मेरे भाइयों से अलग मेरी सिस्टर चाहती है टू हैव अ कैरियर इन इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग में कैरियर बनाना, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 wants। नेक्स्ट है, इट इज मेनली ड्यू टू पीटर्स लेथार्जी दैट द प्लान फेल डैश, फॉल का पास्ट फॉर्म फेल, फॉल मींस गिरना, फॉल के साथ अगर ऑफ यूज करते दैट मीन्स टू बिकम फ्यूअर इन नंबर, संख्या में कम होते जाना, दैट मीन्स फॉल ऑफ, फॉल थ्रू मीन्स बी अनसक्सेसफुल, अनसक्सेसफुल होना मीन्स फॉल थ्रू, फॉल इन मीन्स कॉलेप्स, COLLAPSE, ढह जाना, गिर जाना, फॉल आउट दैट मीन्स टू किसी के साथ विवाद करना, टू अर्ग या क्वारल विद समबडी और समवन, दैट मींस फॉल आउट। तो ये सारे ऑप्शंस की मीनिंग है। क्वेश्चन में सेंटेंस क्या है, इट इज मेनली ड्यू टू पीटर्स लेथार्जी की दैट की द प्लान फेल डैश, की योजना असफल हो गई, और असफल होने के सेंस में यूज करेंगे यहाँ थ्रू, फॉल थ्रू मीन्स टू बी अनसक्सेसफुल। फॉर एग्जाम्पल, Our plans fell through at the last minute. अंतिम समय में हमारी योजना असफल हो गई, that means fell through. ये हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 2, यहाँ यूज करेंगे through. Next है, My father didn't approve that the plan of traveling to Uttarakhand because of bad weather there. एक phrasal verb होता है approve of, that means to agree with or support someone or something. For example, I don't approve of your bad manners.
मैं तुम्हारे बुरे व्यवहार के साथ सहमत नहीं हूँ, उसकी अनुमति नहीं देता हूँ, तो इस सेंस हम यूज करते हैं अप्रूव एंड इसके साथ प्रीपोजिशन ऑफ, अप्रूव ऑफ, टू एग्री विद और टू सपोर्ट समवन और समबडी। तो यहाँ पर हम प्रीपोजिशन ऑफ को यूज करेंगे, नॉट वन टू और विद। मेरे पिता ने अनुमति नहीं दी द प्लान ऑफ ट्रेवलिंग, यात्रा करने की योजना को, टू उत्तराखंड, उत्तराखंड को, बिकॉज ऑफ बैड वेदर देयर, क्योंकि वहाँ वेदर जो था वो बुरा था, बुरा मौसम के कारण, खराब मौसम के कारण वहाँ ट्रेवल करने की अनुमति नहीं दी, दैट मींस डिडंट अप्रूव ऑफ। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर वन। नेक्स्ट है, आई सेटल देस कनाडा लास्ट ईयर। सेटल एस सी डबल टी एल ई और लिव, इसके साथ हम इनको भी यूज कर सकते हैं एंड एट को भी यूज करते हैं। इनको कहाँ यूज करेंगे, इन मीन्स फॉर द लार्ज प्लेस, बड़े जगह के लिए हम इनको यूज करते हैं एंड इसी के साथ हम सेटल और लिव, इसके साथ हम एट को भी यूज कर सकते हैं फॉर स्मॉलर प्लेस। कॉम्पेरेटिवली जो स्मॉल प्लेस है उसके लिए एट यूज करते हैं एंड जो लार्जर है उसके लिए हम इनको यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू सेटल और लिव इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया क्या एक कंट्री है, कंट्री के लिए, कॉन्टिनेंट के लिए हम इनको यूज करेंगे क्योंकि बहुत बड़ी जगह है, तो हमने यहाँ इन यूज किया। शी हैज ज्वाइन अ कोचिंग फॉर एसएससी एट लक्ष्मीनगर, तो लक्ष्मीनगर क्या है कॉम्पेरेटिवली स्मॉल प्लेस है, तो यहाँ हम एट यूज करेंगे, तो बड़ी जगह के लिए इन, छोटी जगह के लिए एट को यूज करते हैं। भैया कनाडा क्या एक कंट्री का नाम है, ऑब्वियसली कंट्री बड़ी जगह है, बड़ा प्लेस है, तो इसके साथ हम यूज करेंगे प्रीपोजिशन वो होगा इन, ऑप्शन नंबर टू। लास्ट ईयर मैं कनाडा में सेटल हो गया। नेक्स्ट है, हिज फादर डैश हिम अप इन अ कंस्ट्रक्शन बिजनेस। ऑप्शन में बिल्ड, देन होल्ड, देन कीप एंड सेट, कौन सा ऑप्शन चूज करें कि सेंटेंस हमारा मीनिंगफुल हो। एक फ्रेजल वर्ब होता है सेट अप समथिंग या समबडी इन समथिंग, that means to establish, that means to establish, उसे स्थापित करना, इस काम में लगा देना। For example, his father set him up, उसके पिता ने उसे लगा दिया, उसे स्थापित कर दिया। In the family business, घरेलू business जो था उनका, उसमें उसके पिता ने उसे लगा दिया, उसे स्थापित कर दिया, establish कर दिया। तो इस sense में use करते हैं set up somebody or something in something, तो यहाँ हम use करेंगे set, सेट हिम अप इन अ कंस्ट्रक्शन बिजनेस, उसके पिता ने उसे कंस्ट्रक्शन बिजनेस में स्थापित कर दिया, उस बिजनेस में उसे लगा दिया। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर। नेक्स्ट है, आई हैव दिस रिस्पेक्ट फॉर हिज अचीवमेंट। पहला ऑप्शन अबंडेंट, दैट मीन्स प्रचुर, बड़ी मात्रा में कुछ होना, दैट मीन्स अबंडेंट, प्रचुर। सेकेंड ऑप्शन है प्रोफाउंड, प्रोफाउंड मीन्स अत्यंत, बहुत ही ज्यादा। स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत एंड यूनिक, यूनिक मीन्स अनोखा, यूनिक मीन्स अनोखा। तो इसका आंसर कौन सा ऑप्शन होगा, आई हैव बेस्ट रिस्पेक्ट फॉर हिज अचीवमेंट, उसके अचीवमेंट के लिए, उसकी उपलब्धि के लिए मेरे पास रिस्पेक्ट है, कितना अत्यंत। ये वर्ड इस सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाएगा, उसके अचीवमेंट के लिए मेरे पास अत्यंत ही रिस्पेक्ट है, बहुत ही रिस्पेक्ट है, बहुत ही सम्मान है। वह आंसर होगा ऑप्शन नंबर टू, प्रोफाउंड। नेक्स्ट है, द मीटिंग वॉज प्रिसाइडेड डैश बाय द चेयरमैन। पहला ऑप्शन ओवर, देन अपॉन, देन ऑफ एंड इन। प्रिसाइड, प्रिसाइड एक वर्ड है, इसके साथ अगर हम ओवर को यूज करते हैं, ओवर समथिंग, दैट मीन्स टू बी इन चार्ज ऑफ समथिंग, सच एज मीटिंग, ऑर्गेनाइजेशन, किसी मीटिंग ऑर्गेनाइजेशन का चार्ज होना, मीन्स उसका नेतृत्व करना, उसे संभालना, हैंडल करना। फॉर एग्जाम्पल, द वाइस प्रेसिडेंट प्रिसाइडेड ओवर द मीटिंग, वाइस प्रेसिडेंट ने मीटिंग को प्रिसाइड ओवर किया, मीन्स उसे संभाला, उसका चार्ज लिया, उसका नेतृत्व किया। तो इस सेंस हम यूज करते हैं ओवर, ओवर वर्ड को यूज करते हैं। तो मेरे पास पहला ऑप्शन है ओवर, और यही होगा मेरा आंसर ऑप्शन नंबर वन, यहाँ यूज करेंगे ओवर। द मीटिंग वॉज प्रिसाइडेड ओवर बाय द चेयरमैन, मीटिंग चेयरमैन के द्वारा सभापतित्व किया गया था, संभाला गया था, नेतृत्व किया गया था, इस सेंस में यूज करते हैं प्रिसाइड ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीइंग अ डैश डॉक्टर
he never serves work. Serves means काम चोर. काम चोर. काम से जी चुराने वाला. That is काम चोर. तो being a dash doctor, he never serves work. वो कभी काम से जी नहीं चुराता. वो काम चोर नहीं है. पहला ऑप्शन है CONSCIOUS. That means जागरूक, active. सेकेंड ऑप्शन है CONSCA. इसमें भी कॉमन है. देन ENCA. SSC के एग्जाम में स्पेलिंग चेक के भी क्वेश्चन आते हैं. इस तरह के वर्ड को आप स्पेशली याद करते चले कि इसके स्पेलिंग क्या है. यहाँ OUS यूज है, दैट मीन्स जागरूक. ENCA यूज हो रहा है, दैट मीन्स विवेक. थर्ड ऑप्शन है CONSCI. इसमें भी SCA कॉमन है. देन ENTIOUS, दैट मीन्स ईमानदार. Honest, honest, ईमानदार के लिए यूज करते हैं ENTIOUS. फोर्थ ऑप्शन है consensus, means आम सहमति. आम सहमति, that is consensus. इसका आंसर क्या होगा? एक जागरूक डॉक्टर होने के कारण, एक विवेक डॉक्टर होने के कारण, एक ईमानदार डॉक्टर होने के कारण, या फिर आम सहमति डॉक्टर होने के कारण. इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड. ईमानदार डॉक्टर होने के कारण he never serves work. वो कभी भी काम से जी नहीं चुराता है. वो काम चोर नहीं है. तो यहाँ यूज करेंगे consensus, means ईमानदार. नेक्स्ट है both Tacitus and Dash. Daniel seldom spoke and never spent money. पहला ऑप्शन why means सावधान, careful. सेकेंड ऑप्शन है cheap. Cheap means सस्ता. थर्ड ऑप्शन है discreet means विचारशील, विचारशील, विवेकवान. फोर्थ ऑप्शन है miserly means कंजूस, कंजूस. One would never or rarely spend money. जो पैसे नहीं के बराबर खर्च करता है उसे हम कहते हैं कंजूस. तो यहाँ क्या है वो taciturn. Taciturn means अल्पभाषी, अल्पभाषी, जो काफी कम बोलता है, that is taciturn. Both taciturn and dense. Daniel seldom spoke. Ninki seldom spoke. Means वो कभी कभी बोलता है, that means अल्पभाषी. And never spend money. Money spend नहीं करता, means कंजूस. तो ये होगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर फोर, कंजूस. कंजूस और अल्पभाषी होने के कारण डेनियल जो है वो कभी कभार ही बोलता है एंड कभी कभार ही पैसे खर्च करता है. तो ये था आज का हमारा फिल इन द ब्लैंक्स का थर्ड पार्ट. हमारे पार्ट वन एंड टू को भी आप जरूर देखें. हमारी वीडियो सबको पसंद है तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें. मिलते हैं फिर फिल इन द ब्लैंक्स के फोर्थ पार्ट में. हमारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.